So hey guys, what's up? I hope you're doing great and welcome back to another video. आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के बारे में. सो अगर बात करें ग्रीन टी की तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और रिसर्च में इसको काफ़ी बेनिफिशियल पाया गया है. काफ़ी ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं. सो ग्रीन टी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, हमें फोकस करने में हेल्प करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर के रिस्क को प्रिवेंट करते हैं और जिनको कैविटी होती है तो ग्रीन टी उसको क्योर करने में भी काफ़ी हेल्प करता है. सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीन टी के और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो उसको यूज़ करते हैं वो इन बेनिफिट्स की वजह से ग्रीन टी को यूज़ नहीं करते. वो बेसिकली एक मिथ की वजह से ग्रीन टी को यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. एंड वो मिथ है कि ग्रीन टी से फैट लॉस होता है. एंड इस मिथ को कंपनीज एड बना बना के चला चला के लोगों को ग्रीन टी चिपकाई जा रही है और ग्रीन टी का जो असली हेल्थ बेनिफिट है वो लोगों को पता ही नहीं है. और लोग सिर्फ ग्रीन टी इसलिए पी रहे हैं क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि इससे फैट लॉस होगा. सो बेसिकली ग्रीन टी कंटेन्स टू कंपाउंड्स विच इज़ कैफीन एंड EGCG. EGCG बेसिकली मीन्स एपिगैलो कैटेगन गैलेट. सो जो EGCG है इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है और उसके काफ़ी बेनिफिट्स पाए गए हैं. और इसका एक बेनिफिट ये भी पाया गया है कि ये फैट लॉस में आपको हेल्प करता है. बट जो इसकी क्वांटिटी मेंशन की गई है जिससे फैट लॉस का थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है वो कहीं पास भी नहीं है कि जितना एक ग्रीन टी के सेशे में अवेलेबल होती है. बेसिकली जो क्वांटिटी मेंशन की गई है रिसर्च में जिससे फैट लॉस में हेल्प होती है उसको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रीन टी पीनी पड़ेगी, विच इज़ ऑब्वियसली अ नॉट ए गुड ऑप्शन. बिकॉज अगर उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन में 10-10 कप ग्रीन टी पी लो. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. एंड जिनको रिजल्ट्स आए भी हैं ग्रीन टी पीने से फैट लॉस में, उसका जो मेजर रीज़न पाया गया है वो उनकी डाइट और कैलोरी डेफिसिट पाया गया है, ग्रीन टी नहीं. एंड कंपनी भी आपको ग्रीन टी चिपकाई जा रही है बट किस बेसिस पे? इससे फैट लॉस होगा और आप पी जा रहे हो क्यों? शॉर्टकट. सो कमिंग टू द कंक्लूजन, मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रीन टी आपको पीनी चाहिए बट इसीलिए नहीं कि उससे फैट लॉस होगा, इसीलिए क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं. और ग्रीन टी जिस लिए है उसी लिए पियो उसको, उसका फैट लॉस को बना के कुछ मत पियो. और कंपनीज तो आपको कुछ भी बोलती रहेगी, एड्स में दिखाती है समोसा खा लो उसके बाद ग्रीन टी पी लेना सब ठीक हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, कुछ नहीं होगा. इससे मॉडल्स आती रही एड में अपने फ्रेंड से पूछती है, अरे यार तूने वेट कैसे कम कर लिया, मैंने पी ग्रीन टी से स्लिम हो गई वगैरह वगैरह. बुलशिट, इसी का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, फिट हो जाएंगे. और ऐसे ही लोग करते हैं कि शाम को गए पिज़्ज़ा खा के आके ग्रीन टी पी ली से सब बैलेंस हो जाएगा. ग्रीन टी तो पिज़्ज़ा को गायब कर देगी, ऐसे जला के रख देगी. सो ग्रीन टी इज़ सुपर हेल्दी, सुपर बेनिफिशियल, बट नॉट फॉर फैट लॉस. ये मिथ दिमाग से निकालो. ग्रीन टी पियो, ज़रूर पियो, बट ये सोच के मत पियो कि मेरा फैट लॉस के लिए पी रहा हूँ, ये सोच के मत पियो. सो दैट्स इट अबाउट ग्रीन टी. मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करना. और मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.